दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग, हजारों से मांगो तब शायद किसी एक से मिलता है। क्या ही अजीब बात है, जो मांगो वो मिलता नहीं और जो चाहिए वो कोई देता नहीं। एक अजीब बात यह भी है कि हम कभी कभी सलाह या राय भी ऐसे आदमी से करते हैं जिनको कुछ पता नहीं उस बारे में जिस बारे में हम सलाह दे रहे हों, और फिर गलत सलाह और गलत फैसले के अलावा कुछ नहीं मिलता जिसका अंजाम सिर्फ नुकसान होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो और अगर उसमें किसी की जरूरत हो तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो और अगर वो हो ना पाए या गलत हो गया तो आपको सलाह देने वालों की एक लंबी लाइन मिल जाएगी, और वो लंबी लाइन भी ऐसे लोगों की होगी जिनको कुछ जानकारी नहीं लेकिन बेकार की सलाह आपको देते फिरेंगे। मान लो आपने कपड़े की दुकान डाली और आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए या आपको उसमें कुछ परेशानी हो रही हो तो लोग आपको बजाय साथ देने के आपको तरीका सिखाने चले आएंगे, और जितने भी आपको तरीका सिखाने वाले आएंगे शायद कि उन सभी को खुद के घर का कपड़ा या खुद का कपड़ा खरीदने तक की तमीज ना हो, कपड़ा पहचानने की तमीज ना हो, लेकिन सलाह तो खूब ऊंची ऊंची देंगे जैसे कि कपड़ों को बनाने वाले यही हैं। और हम भी खूब सलाह लेते हैं ऐसे लोग से जिनको उस चीज की कोई भी जानकारी नहीं। इसीलिए कभी भी आप किसी चीज के बारे में जानकारी लो या किसी की राय लो तो पहले जरूर देख लो कि उसको उस बारे में कितनी जानकारी है, फिर किसी की राय और सलाह लो। गाड़ी के मैकेनिक से घर किस तरह का अच्छा बने ये राय लोगे तो बेवकूफी आपकी होगी। अगला आपको कभी नहीं कहेगा कि हमें जानकारी नहीं, वो आपको सलाह जरूर देगा, लेकिन ये आपकी गलती है कि आप गलत आदमी की सलाह ले रहे हैं। ऐसे आदमी की सलाह ले रहे हैं जो उस बारे में कुछ नहीं जानता। सही सलाह और सही फैसला हमेशा आपको फायदा देता है और अक्सर आपको नुकसान से बचाता है। धन्यवाद।